हिंदी टैग गुरु के सभी पाठकों को मैं नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना नया वीडियो लेकर। मेरा आज का वीडियो पेटीएम से जुड़ा है, जिसके द्वारा मैं आपको पेटीएम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। पेटीएम ने हाल ही में एक लेटेस्ट अपडेट अपनी एप्लीकेशन पर दिया है, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी फ्रेंड को या किसी भी नंबर पर एक पोस्ट कार्ड बनाकर सेंड कर सकते हो, और उस पोस्ट कार्ड के साथ आप कितने भी अमाउंट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। यानी जो आप अमाउंट भेजोगे वो एक डिजाइनिंग पोस्ट कार्ड के रूप में उस बंदे के पास जाएगी जिसे आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैं आपको अपने इस वीडियो के द्वारा पेटीएम की उस लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ रेड बटन में क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही वीडियो देता हूं जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूं वो पेटीएम ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे दिया है। इसकी वेबसाइट पे ऐसा कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सीधा मोबाइल एप्लीकेशन पे लेके चलता हूं और आपको उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है पोस्ट कार्ड। यानी आप एक पोस्ट कार्ड के रूप में अपने किसी भी फ्रेंड को किसी भी नंबर पे कितने भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, और वो जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो एक पोस्ट कार्ड के रूप में जाएगी। अगर आपका फ्रेंड आपके द्वारा भेजी गई अमाउंट को एक हफ्ते तक रिसीव नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो आपके पेटीएम वॉलेट में वापस आ जाएगी। तो चलिए सीधा हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर खोल के अपना पेटीएम दिखा देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पेटीएम ने अपना लेटेस्ट अपडेट दिया है ये इसके लेटेस्ट वर्जन पे ही काम करेगा। तो अगर आपके मोबाइल में पेटीएम का ओल्ड वर्जन डला है तो आप उसे अपडेट करें। अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो मैं सीधा अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पेटीएम लिखिए। अगर आपका पेटीएम अपडेट होने वाला होगा तो यहाँ ओपन की जगह अपडेट लिखा आएगा। अगर आपका अपडेट है तो आप उसे ओपन करिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप सीधा अपडेट पर क्लिक करके अपने पेटीएम को अपडेट कर लीजिए। तो मैंने पेटीएम पहले से ही अपडेट किया हुआ है, तो मैं सीधा इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी आप देखिए पे के बराबर में एक नया बटन इन्होंने ऐड किया है पोस्ट कार्ड का। तो आप सीधा पोस्ट कार्ड पर क्लिक करें। पोस्ट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं कि पेटीएम का ये फीचर किस तरह काम करता है तो नीचे सी हाउ इट वर्क आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आप पेटीएम के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा सेंड पोस्ट कार्ड पर क्लिक कर रहा हूं। सेंड पोस्ट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप चाहें तो नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट में से भी कोई भी नंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट कॉन्टैक्ट में से एक नंबर यहाँ ऐड करता हूँ। ये मैंने एक नंबर इसमें ऐड कर दिया है, इस नंबर को मैंने हिडन कर दिया है। नंबर ऐड करने के बाद यहाँ आपको नीचे अमाउंट डालनी है, जो भी आपको अमाउंट यहाँ भेजनी है। मैं फिलहाल यहाँ 50 रुपये डाल देता हूँ। 50 रुपये डालने के बाद आप नीचे अपना कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। ये इनका मैसेज बॉक्स है, और नीचे देखिए यहाँ आपको क्लासिकल राखी बर्थडे मतलब काफ़ी सारे इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैं बेस्ट विशेस का यहाँ आइकन पे क्लिक किया, तो बेस्ट विशेस आइकन पे क्लिक करते ही देखिए साइट में फूड बने हुए आ गए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप थैंक यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का थैंक यू वाला आइकन यहाँ आ जाएगा। अगर आप लकी यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ फीचर्स आ जाएगा। बर्थडे पे क्लिक करने के बाद बर्थडे का आइकन आ जाएगा। राखी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने राखी आ जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ बेस्ट विशेष पे क्लिक कर रहा हूँ। बेस्ट विशेष पे क्लिक करने के बाद आप सीधा सेंड पोस्ट कार्ड पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये सेंड हो रहा है, जो नंबर मैंने ऐड किया था ये उसी नंबर पे सेंड होगा। हमारा पोस्ट कार्ड सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, हमारे सामने मैसेज भी आ चुका है। ये देखिए इसी तरह का पोस्ट कार्ड, जैसा पोस्ट कार्ड आपको यहाँ दिख रहा है सेम वैसा ही उस बंदे को दिखाई देगा जिसे आप सेंड करोगे। अभी आप देखिए नीचे यहाँ लिखा है यू विल गेट दिस मनी बैक इच फ्रेंड डज नॉट दिस पोस्ट कार्ड इन 10 डे। यानी अगर 10 दिन तक वो बंदा आपके इस पोस्ट कार्ड को रिसीव नहीं करता तो ये
अमाउंट आपके पेटीएम वॉलेट में ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। अगर वो इस पोस्ट कार्ड को रिसीव कर लेता है और इसको ओपन करता है तो ये जो अमाउंट है ये उसको रिसीव हो जाएगी। तो पेटीएम का एक ये बेहतरीन फीचर है जिसमें आप डिजाइनिंग करके अपनी अमाउंट किसी को भी सेंड कर सकते हो। चाहो तो आप थैंक यू लिखकर सेंड कर सकते हो, चाहो तो आप बर्थडे विश लिखकर सेंड कर सकते हो, कुछ भी लिखकर आप किसी को भी इसी तरह अमाउंट सेंड कर सकते हो। और अगर वो बंदा 10 दिन तक आपकी अमाउंट रिसीव नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ये आपके पेटीएम वॉलेट में आ जाएगी। तो मेरा आज का वीडियो पेटीएम के इसी लेटेस्ट फीचर से जुड़ा था। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी पेटीएम के इस लेटेस्ट फीचर्स का फ़ायदा अपने मोबाइल पर उठाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर कोई पेटीएम के इस लेटेस्ट फीचर्स का फ़ायदा अपने मोबाइल पर उठा सके और जिसे भी अमाउंट सेंड करनी है उसे इसी तरह अमाउंट सेंड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।